हाय एवरीवन, दिस इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्सल मोलर प्रॉपर्टी। इसे पार्सल मोलर वॉल्यूम या पार्सल मोलर क्वांटिटी भी कहा जाता है। पार्सल मोलर प्रॉपर्टी जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल पेपर का यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है। तो पार्सल मोलर प्रॉपर्टी या पार्सल मोलर वॉल्यूम को सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लिखते हैं या इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, उससे जानने से पहले हम पार्सल मोलर प्रॉपर्टी का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्सल मोलर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, देखिए, ऑलवेज कंसीडर व्हेन वी सी, ये जो है सिर्फ उसी में कंसीडर होता है जब हमको बाइनरी या टर्सरी मिक्सर दिया गया होता है। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो आप 100 ml वाटर लेते हैं, उसमें 15 ml और वाटर ऐड करते हैं, तो टोटल जो है 115 ml हमको वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, 100 ml वाटर प्राप्त होता है। और उसी प्रकार जब अगर हम 100 ml मेथेनॉल लेते हैं और 18 ml H2O उसमें जोड़ते हैं, मतलब 118 ml जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमको 180 ml मिलना चाहिए, पर हमको मिलता है 114 ml। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये दोनों जो है सेम मिक्सर है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं H2O, तो इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है जो इसका टोटल वॉल्यूम क्वांटिटी होता है। लेकिन ये जो मेथेनॉल ये वाटर होता है, दोनों डिफरेंट बाइनरी मिक्सर होते हैं। इसी कारण जब इसका जो टोटल जो हमारा वॉल्यूम प्राप्त होता है, इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण डिफरेंट प्राप्त होता है। 118 ml ना प्राप्त होकर 114 ml प्राप्त होता है। तो ये जो डिफरेंस है 4 ml का, इसी को ही हम पार्सल मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, यही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक का। ये पार्सल मोलर वॉल्यूम इसी को कहा जाता है। एक बार और समझ सकते हैं इसको, पार्सल मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि अगर हम जब बाइनरी मिक्सर लेते हैं दो अलग अलग और दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं, तो जो हमको जो टोटल प्राप्त होता है ml, इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इसी चेंज को ही हम पार्सल मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये जो क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड्स होते हैं, पार्सल मोलर प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा, हीट, वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, मास, ये सब बहुत ज़्यादा डिपेंड्स होते हैं पार्सल मोलर प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी पर। अब पार्सल मोलर वॉल्यूम को जो है आप बहुत ही सिंपल के साथ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि द पार्सल मोलर वॉल्यूम इज ब्रॉडली अंडरस्टूड एज अ कंट्रीब्यूशन दैट अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर मेक टू द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वही जो एग्जांपल है उसी को इसमें परिभाषा के रूप में इसमें कहा गया है कि जो पार्सल मोलर वॉल्यूम होता है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब दो बाइनरी मिक्सर दो 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 कंपोनेंट अलग अलग लेते हैं, दो मिक्सर लेते हैं, तो जो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है जो ओवरऑल वॉल्यूम बनाने में या सॉल्यूशन बनाने में उस मिक्सर का, उसी को ही हम पार्सल मोलर वॉल्यूम कहते हैं, पार्सल मोलर प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसी को ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्सल मोलर वॉल्यूम प्रॉपर्टी जो है अब सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से किस पॉइंट इंपॉर्टेंस है और इसको आप उसमें कैसे अटेंड करेंगे, इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। पार्सल मोलर प्रॉपर्टी क्या होता है, जी एन लेविस इंट्रोड्यूस अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से एक्स विच वॉज कॉल्ड पार्सल मोलर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी अ फंक्शन नॉट ओनली ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बट ऑल्सो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, जी एन लेविस ने पार्सल मोलर प्रॉपर्टी को जो है इंट्रोड्यूस किया था। ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, विच वॉज कॉल्ड, इसको पार्सल मोलर प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ प्रेशर या टेम्परेचर के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए, कंपोनेंट्स, किसी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल जो प्रेजेंट होता है कंपोनेंट में, उसके लिए भी फंक्शन करता है। ठीक है, उसके लिए भी कार्य करता है। तो जैसे कि एग्जांपल, जैसे कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मान लो एक्स में भी डिफाइन एज द फेलो। ठीक है, तो पार्सल मोलर प्रॉपर्टी को एक्स से डिफाइन करते हैं। ये कोई फंक्शन है यहाँ पे, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वही कहा गया है जो N1, N2 और NI है उसको जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं वेरियस कंपोनेंट 1, 2, 3 के लिए। अब सिस्टम जो पार्सल मोलर डिफरेंशिएशन करेंगे अब इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमको ये वाला प्राप्त होगा, ये इक्वेशन, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। जैसे कि dx इजिकल टू dx अपॉन dt p N1 N2 ये बाहर रहेंगे और dt जो है इसमें कार्य करेगा। इसी प्रकार ये अगर प्रेशर अंदर है तो t बाहर रहेगा और इसमें प्रेशर डेरिवेट होकर काम करेंगे। उसी प्रकार ये जो मेन है यही वाला है, इसी को कहते हैं पार्सल मोलर वॉल्यूम, क्योंकि ये जो है
मोल जो होते हैं, उस जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वही इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यही वाला है पार्शल मोलर वॉल्यूम, इसको कहा जाता है। ये N1 मोल के लिए पार्शल मोलर वॉल्यूम है, N2 मोल के लिए है, और इन्फिनेट के लिए भी ऐसे ही होगा। तो देखिए, ये तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ जो पार्शल मोलर प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल पार्शल मोलर प्रॉपर्टी को हम एक्स के ऊपर में अगर बार पुट कर देते हैं तो उसी से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसी प्रकार पार्शल मोलर जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इस सभी के जगह जो है हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं, जिससे ये पार्शल मोलर प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे वही है, वेयर X1, X2 एंड X1 एक्स इन्फिनिट आर नोन एज द पार्सल मोलर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे सिंपल सा ये अब लिख सकते हैं कि जो जनरली अगर किसी भी सिंबल में ऊपर में अगर बार पुट करते हैं तो पार्सल मोलर प्रॉपर्टी होता है, यही कहा गया है इसमें। जैसे कि वेर X1, X2, X3 आर द नोन एज द पार्सल मोलर प्रॉपर्टी फॉर द कंस्टिट्यूंट 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, इन जनरल अ बार पुट ओवर द सिंबल ऑफ एनी प्रॉपर्टी डिनोट द पार्सल मोलर प्रॉपर्टी। तो यही होता है पार्सल मोलर प्रॉपर्टी, जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको इसका ये परिभाषा लिख सकते हैं आप, इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, और इस प्रकार आप समझा सकते हैं। ये जो है MSc फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आपको पार्शल मोलर प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल हो, और ये जो है एक पार्शल मोलर प्रॉपर्टी का एक महत्वपूर्ण नोट्स है, जो जिसमें सारे चीज़ इसमें कवर हैं। आई होप कि ये हेल्पफुल हुआ हो। सो थैंक यू सो मच। अगर इसी तरह के और नोट्स चाहिए तो, या फिर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।